अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र ठीक हैं। और आज मैं जा रही थी, मैंने सुबह बच्चों को नाश्ता वाश्ता दिया, स्कूल भेजा और स्कूल से आ गए हैं फिर, और फिर इसके बाद मैंने इनको लंच वगैरह करवाया और मैं अब जा रही थी बाज़ार। बाज़ार थोड़ा सा काम था, जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान है और ईद है, ईद की तैयारियाँ कर रहे हैं। और चलें फिर मैं आपको बाज़ार में जा कर मिलती हूँ। ये वॉल पे लगाने वाले कील के साथ कैसे पूछो? ये कैसे दे रहे वर्ड्स में? ये पेंसिल का सेटअप। और ये टेबल कैसे दे रहे? ये वाला तो बनेगा, मैंने 55 लिए थे, 5500 का। थ्री टेबल्स? ये वो प्लान नहीं है, मार्बल नहीं है, वो है दूसरा है पता है। और ये कैसे दे रहे मिरर? ये वाला मेरा 90 का ही डिस्काउंट वाला 7000 का। वो ये देखो रेड वाला मस्टर्ड वाला, ये कैसे दे रहे हैं? पर्कर ना मस्टर्ड वाला अभी प्राइस लगेगा यार। ये वाला तो भी बन गया 3500 का, मैं इसके पहले पड़ा रहा हूं। ये वो सुना रहे हैं आप जी गाइस? ये देखिए बैग अच्छे हैं, बैग ये क्लॉक कैसे दे रहे हैं? ये देखो लैंप, ये वॉल हैंगिंग कैसे दे रहे हैं? ये गोल्डन, ये क्लॉक कौन सा देख रहे हो? अच्छा ये देखो मेरा, मगर ये वाला बॉर्डर नहीं, मैं कह रही मैं गोल्डन वो जो लगाते हैं ना वो वाला, वो मैं खुद ही बनवाऊंगी। ध्यान से गुजर, ये देखो ये कैसे दे रहे? ये वाला मैंने 20 का। हेलो वो पड़े हाँ, ये कैसे दे रहे सेट? कौन सा लगता? ये वाला 90 का इनका सेट मिलेगा। 90 और एक पीस जो नीचे वाला बड़ा, सबसे बड़ा ये वाला सबसे बड़ा मिलेगा 65 का, और उससे छोटे, उससे छोटा 38 और उससे छोटा 25। इतना महंगा? ये देखो, ये देखो बाजू, ये वाला देखो स्पेस आई है, ये भाई है अभी लगा के टाइम। ये कैसे दे रहे? ये वाला मैंने आपको बनना है 6800 का, लोकल मेड आइटम नहीं, सारे इंपोर्टेड बना आइटम है। नहीं अच्छी है। ये देखो ये वाला मैंने लेना था, नहीं ये वो दूसरा है टावर जो बना हुआ ना वो वाला, ये गुलाम देखो कितने चला है। इसकी क्या प्राइस है? 7000। वन पीस वीडियो अलाउ नहीं मैंने, सूट्स पीस हैं, फजूल ही हैं ये तो, है ना लोग? वो देखो शलवार कमीज बॉयज, इसमें देखना हसनैन की ली है, वो पीछे लगी किस में? वॉशन वेयर में। इस ये बड़ा साइज है ना, छोटा है? पूछो इनसे छोटा है। हाँ कॉटन में, छोटे बच्चे का मिल जाए, वॉशन वेयर में मिल जाएगा छोटे, 4 साल का बच्चा, 4 साल के बच्चे की, 4 साल के बच्चे में। नहीं ये बहुत बड़ा है, बड़ा 3.5 साल का बेबी लगा ले, ये भी बड़ा नहीं, नहीं ये साइज साइड पॉकेट नहीं, ये जो छोटा है इसमें दिखाओ क्या स्टफ है। कितने का दे रहे हैं?
देखो डॉल कितने की है। ये कैसे दे रहे रेड वाला? ये कैसे दे रहे मेरे? ये कैसे दे रहे? ये कैसे दे रहे मैम? ये हमने ऑर्डर लिया है 3500 का। और ये जो बना रही है ये तो हम पेयर उसको नीट करके दे रहे हैं। अच्छा ये देखो कैंडल्स। हाँ ये वो है चेज वैली की। ये अल फतेह जान क्रॉकरी शॉप है, देख रही क्रॉकरी ये कॉर्नर रैक है। हाँ ना भाजी सही है वैसे। ये इधर सारे वो मसाला बॉक्स खड़े कॉर्नर च रख ना सारियां कॉर्नर च रखियां शीशियां बना रख लो ना। आ जा रही ये देखो ये शूज रैक है। ये अच्छा है ना। पूछो क्या प्राइस है? ये हमारे जैसे बास्केट है क्रॉकरी शॉप। वाह ये देखो टी शर्ट सो लुकिंग अ ब्यूटीफुल। क्या है ये कैसे दे रहे हैं स्ट्रेनर? 1990 का मैम। देखिए वीवर्स क्रॉकरी कितनी खूबसूरत है। ये देखिए टी सेट सूप सेट ये क्या है? दिखाएगा इसे को किस चीज का स्टैंड? ये उसे को निकाल ये दिखाइएगा जरा। ये देखिए बच्चों के लंच बॉक्स कंटेनर शंटेनर पड़े हुए हैं सारे। ये देखो नाइफ सेट भी। थर्मोस है वाटर बॉटल्स हैं। चल 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 उसे को वो निकाल के दिखाई ये दिखाना भाई निकाल के। ये देखो हैंड चॉपर वो देखना जो था किस चीज का था स्टैंड। ये देखो ये पूछो। हाँ ये स्टील वन इसके प्राइस ही नहीं लिखे हुए। ये देखो ध्यान से नीचे वो देखो ये क्या है। अच्छा ये वो जो लगती हैं उसको मेरे ख्याल में टोटी कैन को ये वही है। पूछो जरा भाई ये कैन को जो लगती है ये कैसे दे रहे? ये हैप्पी 590 का। नहीं भाई 450 वो लिखा हुआ। नहीं नहीं बहुत ज्यादा महंगा बता रहे हैं इतने तो दराज भी नहीं दे रहे वो।
दरार वाली आइटम हो रहा है अपने हमारे पास पूरी कास्ट में पड़ा है। ये चूल्हे कौन से हैं? ये जापानीज देखें व्यूअर्स ये देखो डिश ये कैसे दे रहे ये 3490 3590 ये प्लास्टिक की है या चीनी की चीनी ये क्या है ये मसाला बॉक्स है वो नमकदानी है जी नमकदानी अच्छा लग रहा है ये कैसे दे रहे ये आप 4590 हाँ आप अल्फतेह के सामने बैठे हैं इसलिए इतनी महंगी ये देखो बटरफ्लाई ये कैसे दे रहे हैं बटरफ्लाई ये 1000 की मिली है अच्छी है क्या लगाना है 1000 की मिलेगी 1250 बहुत ज़्यादा प्राइस बता रहे हैं बाजी अरे वो देखो बॉल महंगे ये छोटे हैं ज़रा है ना गोल्डन वाले ये इसकी देखो ये देखो भाजी वो देखो हेलो ये लोहे सारी आया वो प्लास्टिक में कागज से ये देखो वो स्टैंड लिखा होगा इसके ऊपर देखो जरा ये वैसा ही है के बड़ा है ना पूछो किधर है वो अंदर है देखिए व्यूअर्स केज स्टैंड बोलते हैं इसको ये देखो मैं कह रही इतना बड़ा टीवी लॉन्च में लगना चाहिए वो ये देखो ये भी क्लॉक अच्छा वो आप जैसा ये तुम्हारे जैसा नहीं हाँ उनसे नहीं मिलता जुलता ये देख रहे ये देखो डस्टबिन इनके वर्स डेकोरेशन पीसेस इट्स सो ब्यूटीफुल बड़ी अच्छी अच्छी जैक मार्क की है चलो ये देखो ब्यूटी बॉक्स ये देखो कैंडल स्टैंड ये अच्छा लग रहा है ना ये चलो इसका पूछो ये इसके क्या प्राइस है ये आपको 20,000 में तीनों मिलेंगे स्टोरेज वाले हैं तीनों अच्छा इसके अंदर कुछ भी रख सकते हैं कितने के मिलेंगे ये 20,000 के तीनों अच्छा एक सैंडी भी होती है वो पूरा वो सेट होता है सैंडी सेट सेट्स होती हैं सैंडी उसको बोलते हैं जो बेड के आगे रख देखिए ना सेटीज होते हैं बड़े भी हैं वो देखें ये तो टेबल है ना जी जी हम इसके मैन्युफैक्चरर हैं आपको ये देखिए ये चीज़ है नहीं ये छोटे नहीं है आपके 48 इंच के बैठ के आगे लोग लेके जाते हैं मेरे से ये भी पड़ा हुआ है जो वाला 26.5 में ये 23.5 में वो 18.5 में एक पीस और एक पीस इनकी टूटने की गारंटीड है नहीं एक पीस नहीं पूरा सेट होता है साथ में ये और दो मोड़े होते हैं ये होता है वो ये नहीं नहीं ये कैसे दे रहे हैं ब्लैक वाला ये 32 में अच्छा ये वाला कैसे दे रहे हैं टेबल कवर जो है ये 1000 में ईच है इनकी दोनों साइड पे एक ब्लैक प्लेन भी आप यूज़ कर सकते हैं नहीं बहुत ज़्यादा रेड ये 3 पीस का सेट होता है 3 पीसेस का ये भी सेट है नहीं नहीं ये वाले की इनका ये नहीं ये हमारे पास हमारा अपना तैयार होता नहीं देखिए बैक पे आप इसको प्लेन भी यूज़ कर सकती हैं हाँ जी मुझे पता है पहले है यूज़ कर ये देखें ये कैसे दे रहे हैं कुशन ये कुशन कवर 500 में है फर वाला ओनली कवर विदाउट फिलिंग ये 600 में चीज़ आप मिल रहा है सेम
विदाउट फीलिंग, मैं विदाउट फीलिंग 500 रुपये दे रहा हूँ। सैंडी है आपकी छोटी है भाई, बनवाई हैं ली हैं पहले। नो इट्स ओके, चले जैकेट वाली मैंने कहा था लेंगे। वो देखो शलवार कमीज, वो है आगे ब्लू वाली जो लगी, ये आएगी हसनैन को। वेस्टकोट वाली क्या है प्राइस उसके? देख देखो प्राइस लंबी है ये तो, बड़ी 4500। चीज़ अच्छी है वैसे भी, बहुत अच्छी है। आ जा ये देखो, हाय हाय इसको क्या करना है। वो देखो ऊपर कुर्ते, ये वाला रेड वाला नहीं है ना, किस एज के लिए देखना? 11 से 12 ये छोटे हैं, ये सारे साइज जो लगे हैं इसमें मिल जाए। नीचे वाले अलग किसी काम के। चलें गाइस नेक्स्ट ट्राई करते हैं, अभी कोई पसंद नहीं आ रहा हमको, इसलिए हम अब कहीं और हैं। हाँ बाजार से आ गए थे तो अब मैं आके फिर बेटी को डॉक्टर पे लेके गई हूँ, उसके टीथ में बहुत दर्द है तो वो अब डॉक्टर को चेकअप करवाया, तो अब उन्होंने देखे उसने रिकमेंड किया है कि उसको एक्सरे वगैरह करवाया और मेडिसिन वगैरह भी वो अपने घर में फिलिंग करेंगे या कुछ करेंगे, तो उसको लेके आते हैं। मैं अब खाना शाना बना रही हूँ बच्चों को, देख रही हूँ सुबह से, देखे मैं इतनी बिजी हूँ, इतनी बिजी हूँ। सुबह मैंने मॉर्निंग में जब उठी हूँ बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाया है, करवा के फिर मैंने उनको स्कूल वगैरह भेजा है, उसके बाद फिर घर के बकाया काम किया है, फिर उतनी देर में बच्चों के स्कूल आके आने का टाइम हो गया स्कूल से, तो फिर उस वक्त उसके बाद उनको लंच वंच दे के, तो फिर मैं 4 बजे मेरे खाना मैं बाजार गई हूँ। तो आपको जैसे कि पता है कि रमज़ान मुबारक का महीना स्टार्ट होने वाला, फिर उसके बाद खैर से ईद है, तो मेरी सबसे यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबके लिए, यही दुआ है कि अल्लाह ताला सबके लिए रमज़ान मुबारक बहुत बरकत साबित हो, हमारे मुल्क के लिए, हम सब के लिए अच्छा साबित हो, और हमें अल्लाह ताला तसीह के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा रोज़े रखें, हम दूसरों का भी ख्याल करें। और आप फिर इसके बाद मैं बाजार गई थी, आपको पता है इतना शॉर्ट टाइम होता है हाउस वाइफ के लिए। देखिए मैं सुबह से एक काम पर खड़ी हूँ आपके, सबसे ज़्यादा कि आपके लिए ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो फिर आप मुझे लाइक ना करें, शेयर ना करें, सब्सक्राइब ना करें, तो फिर तो ये ज़्यादती ही ना। देखिए मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को हर चीज़ के बारे में जो जो मैं कर रही हूँ उसको मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या, मेरी क्या रूटीन है और कितना मैं बिजी हूँ, तो इस लिहाज से आप ये देखिए अगर आप फिर भी ना करें तो ये भी मेरे साथ ज्यादती है। आप प्लीज़ प्लीज़ जल्दी से जो है मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिएगा कि मेरा आपको भी ब्लॉग कैसा लगा है। और देखिए इसी तरह अब ईद है, ये गुजामों के तो चक्कर लगते रहने, आप भी क्या सोच रही हैं कि मैं रोज़ाना बाजार जाती हूँ, ऐसी बात नहीं है, रोज़ाना बाजार जाना नहीं जाती, जाना पड़ जाता। देखें अपनी पॉकेट भी देख रही हूँ, हमें अपनी पॉकेट के लिहाज से फिर उस चीज़ को डिसाइड करना, चीज़ भी अच्छी हो और पेमेंट भी मुनासिब हो तो फिर भी हो पड़ता है, फिर जो चीज़ मुझे सूट करती है मेरे बजट के हिसाब से है तो वो मैं फिर बाय कर लेती हूँ। बकाया फिर नेक्स्ट विजिट पे फिर होता है कि नेक्स्ट विजिट पे देखेंगे, तो इंशाल्लाह आस्ता आस्ता ये ज़ाहरी बात है, ये तो इन टाइम तक बच्चों की तैयारी होती है, माशाल्लाह से 3 बच्चे हैं, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि 3 बच्चों की तैयारी करना कितना मुश्किल है, ठीक है ना। तो फिर आस्ता आस्ता इसी तरह कुछ ना कुछ रह जाता है, कुछ ना जो चीज़ हमें मिलती है मैं ले लेती हूँ, जो चीज़ नहीं फिर नेक्स्ट चक्कर पे हो जाता है, तो इसलिए ये देखिए अब मैं बच्चों को खाना शाना दे रही हूँ। आज मेरी बच्चों की मोस्ट फेवरेट बन रही है माश की दाल, और ये देखिए माश की दाल को मैंने बॉयल करके रख लिया है और अभी इसका मसाला बना रही हूँ, और बहुत मज़े की मेरे बच्चों को बहुत पसंद है ये, मैं
ग्रेवी सी, ये खड़ी खड़ी सी ज़रा दाल बनाती हूँ, ये ज़्यादा गली हुई अच्छी नहीं लगती मुझे, तो खैर नहीं अच्छी लगती ना ही मेरे बच्चों को, मियाँ साहब को, तो इसलिए मैं ज़रा खड़े मसाले वाली खड़ी बनाती हूँ, वो खड़ी खड़ी सी दाल बनाती हूँ, ताकि फिर वो जब ज़्यादा गल जाए तो फिर वो लेसपन छोड़ देती है। ठीक है, इसमें देखे मैंने अब लौंग डाल दिए हैं, लौंग के बाद मैंने इसमें डाला है कड़ी पत्ता, कड़ी पत्ता भी इसमें डाल देते हैं। ठीक है, इसमें कड़ी पत्ता भी डाल दिया है, अब इसको मैं अच्छी तरह फ्राई करूँगी। इसमें दालचीनी भी डालनी है, वो मेरी ख़त्म होगी, मैं नीचे से निकालती हूँ जहाँ पे ग्रोसरी का सामान पड़ा होता है, ये डालती हूँ। तो मैं फिर अभी इसको फ्राई करके इसकी फाइनल फिर इसमें दाल में डाल दूँगी, फिर मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाऊँगी। ठीक है, खाना शाना भी बच्चों को दे दिया, सारा कुछ काम रेडी शेडी हो गया, अब घर को समेटना है जो इतना मैस हुआ हुआ है। सुबह बच्चों ने स्कूल भी जाना है और बच्चे अब पढ़ रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, और चले अब इसके साथ ही मैं अपने ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। तो प्लीज़ जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से उठें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा, कल फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।